face. Hello friends, welcome again. Today we will discuss previous year arithmetic questions of IBPS clerk mains. So without wasting time, let's start. Our first question is, Arunika bought some articles and sold half of them at rupees 22,103, thereby making a profit of 15%. And we have to find at what price should she sell the rest of them so as to earn an overall profit of 25%. कह रहा है कि अरुणिका ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे और उसमें से आधे बेच दिए 22,103 रुपए में, जिस पे उसको प्रॉफिट हुआ 15% का। हमें बताना है कितने प्राइस में वो रेस्ट ऑफ दी आर्टिकल्स बेचे सो दैट उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए 25% का। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी विल यूज एलिगेशन मेथड। हाफ ऑफ दी आर्टिकल बेचने में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 15%, और ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट चाहिए 25%, एंड लेट कर लेते हैं कि रेस्ट ऑफ दी आर्टिकल पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा x%, और 15% प्रॉफिट कितने आर्टिकल्स बेचने में हुआ है, हाफ ऑफ दी आर्टिकल दैट इज 50%, एंड रेस्ट ऑफ दी आर्टिकल इज ऑल्सो 50%। सो रेशियो क्या मिल जाएगी हमें, 1:1। सो वी राइट 1 and 1, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी x-25 = 25 - 15, दैट इज 10। सो x की क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी, x = 35%। नाउ रेस्ट ऑफ द आर्टिकल बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 35%। Now we know that cost price is always 100%, और अगर cost price 100% है, profit हुआ है 15% का half of the article बेचने पे, तो selling price कितनी हो जाएगी 115%, जिसकी value हमें given है 22,103। Now rest of the article पे कितना profit हुआ है 35%, तो इसकी selling price क्या हो जाएगी, selling price will be 135%, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये हो जाएगा 22,103 डिवाइडेड बाय 115 into 135। सो 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 to the 10, 5 7 the 35। नाउ 23 into 9 is 207, 140, 23 into 6 is 138, 2 3 so 961। Now we have to multiply 961 by 27. Simply multiply these last digits. 7 into 1 is 7, so our answer's last digit will definitely be 7. Now let's check the option, and from options our answer is first because its last digit is 7. No need to completely multiply 961 by 27. Now we move on to our next question. Our next question is, on Teacher's Day, sweets were to be equally distributed amongst 540 children, but on that particular day, 135 children remained absent. Hence, each child got 2 sweets extra, and we have to find how many sweets each child originally supposed to get. कह रहा है कि टीचर्स डे के दिन 540 बच्चों में स्वीट्स बांटी जानी थी इक्वली, बट उस दिन 135 बच्चे जो थे वो अब्सेंट हो गए, जिसके कारण हर बच्चे को 2-2 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली। तो बताओ कितनी कितनी स्वीट्स हर बच्चे को ओरिजिनली मिलनी थी। Now to solve this question friends, assume कर लेते हैं कि हर बच्चे को x sweets मिलनी थी। टोटल बच्चे कितने थे, 540, तो 540 बच्चों को x sweets मिलनी थी, बट उस दिन
135 बच्चे जो थे वो अब्सेंट थे. सो 540 माइनस 135 इज 405. उस दिन 405 बच्चे आए थे जिसके कारण हर बच्चे को दो दो स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली. मिलनी कितनी थी? x स्वीट्स. मिली कितनी? x प्लस 2. यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 540x इज इक्वल टू 405x प्लस 810. और ये 405 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा 135x इज इक्वल टू 810. तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से? 6. सो आवर आंसर विल बी 3rd. नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी एंड डी इज 37 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, देयर आर टू वेज एंड आई विल टीच यू बोथ. फर्स्ट इज द यूजुअल मेथड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज दी हुई है, तो पहला नंबर हम ले लेते हैं x माइनस 2, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2 और चौथा नंबर हो जाएगा x प्लस 4 और इनकी एवरेज हमें गिवन है. सो प्लस प्लस एंड प्लस डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 37. तो 2 से 2 कट जाएगा और 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 37 एंड 4 कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 37 एंड x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 36. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर. फर्स्ट नंबर इज x माइनस 2, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 34 और थर्ड नंबर हो जाएगा 38. नाउ 8 इंटू 4 इज 32. सो राइट 2 एंड 3 कैरी गिव स्पेस. 3 इंटू 3 इज 9, सो राइट 9. नाउ डू रेनबो मल्टीप्लीकेशन. 4 इंटू 3 इज 12 एंड 8 इंटू 3 इज 24. 12 प्लस 24 इज 36 प्लस 3 इज 39. सो राइट 9 एंड 3 कैरी. नाउ 9 प्लस 3 इज 12. सो आवर आंसर विल बी 1292. That is fourth option is correct. Now it's a little bit time consuming method friends. So now I will teach you the shortcut method. Shortcut method is we know average of consecutive even number or odd number is equal to a plus n minus 1 where a is first term and n is total term. So according to question एवरेज इज 37 और फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है और टोटल टर्म्स कितनी है? 4. सो n की वैल्यू क्या आ गई? 4. बाय पुटिंग द वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37 माइनस 3 दैट इज 34. सो फर्स्ट टर्म हो गई 34 और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 38. नाउ 34 इंटू 38 इज 1292. सो आवर आंसर विल बी 4. Now we move on to our next question. Our next question is the compound interest accrued in 2 years on a principal amount of rupees 16,250 is 5,616 and we have to find the rate of interest. कह रहा है कि 2 साल में 16,250 रुपए पे इंटरेस्ट बन रहा है 5,616, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड, सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि जो ये इंटरेस्ट गिवन है वो कितने परसेंट है प्रिंसिपल अमाउंट का. सो वी राइट 5,616 डिवाइडेड बाय 16,250 इंटू 100. जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. 5 3 15, 1 2, 5 2 10, 2 5, 5 5 25 एंड 5 2 10. नाउ 325 बन द
और ये कट जाएगा 17.2 समथिंग पे, तो 17.2 इंटू 2 इज 34.4%। नाउ ये दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा 16% और दूसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा 16% और 16% का 16% इज 2.4 समथिंग, सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें 16%, सो आवर आंसर विल बी सेकंड। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज ओनली 25%। द मिल्कमैन एडेड 17 लीटर वाटर टू द मिक्सचर एंड वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिक्सचर में पानी जो है वो केवल 25% है, उसमें मिल्कमैन ने 17 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो हमें बताना है पानी की परसेंटेज कितनी होगी फाइनल मिक्सचर में। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगेन वी विल यूज एलिगेशन मेथड। इनिशियली पानी की परसेंटेज कितनी है 25% और उसमें 17 लीटर पानी और ऐड कर दिया है, तो पानी ही ऐड किया है ना, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 100%, और फाइनल परसेंटेज हमें निकालनी है तो उसको मान लेते हैं x, एंड जो ये 25% है वो कितने लीटर मिक्सचर में है 80 लीटर, एंड 100% कितना पानी डाला है 17 लीटर। सो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 25 इज इक्वल टू 80 बाय 17। सो 1700 माइनस 17x इज इक्वल टू 80x माइनस 80 इंटू 25 इज 2000। सो 2000 यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 3700 इज इक्वल टू 80x प्लस 17x दैट इज 97x, और यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 38/7। सो आवर आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शालिनी एंड नालिनी इन्वेस्टेड रुपीज 80,000 ईच एंड स्टार्टेड ए बिजनेस। आफ्टर वन ईयर शालिनी इन्वेस्ट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 एंड नालिनी विड्रॉज रुपीज 30,000। एट द एंड ऑफ टू ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 93,000 एंड वी हैव टू फाइंड नालिनी शेयर इन द प्रॉफिट। कह रहा है कि शालिनी और नालिनी ने 80,000 रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया और एक साल के बाद शालिनी ने 20,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए और नालिनी ने 30,000 रुपए विड्रा कर लिए। दो साल के बाद अगर उनको प्रॉफिट हुआ है 93,000 का, तो बताओ नालिनी का कितना शेयर होगा प्रॉफिट में। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड, एज वी नो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सो जितनी रेशियो हमारी इन्वेस्टमेंट की होगी उतनी ही रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। सो सबसे पहले हम शालिनी एंड नालिनी की इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो वी राइट शालिनी एंड नालिनी। नाउ हम देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज जो गिवन है वो 1000 में गिवन है। सो टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी वी रिमूव 3 जीरोस फ्रॉम ईच वैल्यू। नाउ शालिनी ने 80,000 रुपए लगाए एक साल के लिए, सो वी राइट 80 इंटू 12 फॉर 12 मंथ, एंड उसके बाद 20,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, सो 80 प्लस 20 इज 100 इंटू 12 फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड नालिनी ने भी 80,000 रुपए से ही स्टार्टिंग की, सो वी राइट 80 इंटू 12 एंड नेक्स्ट ईयर 30,000 विड्रॉ कर लिए, सो 80 माइनस 30 इज 50 इंटू 12, सो ये हो जाएगा 12 इंटू 80 इज
960 plus 1200 and 12 into 80 is again 960 plus 600. So ratio आ जाएगी हमारी 2160 ratio 1560. Now 0 से 0 cancel हो जाएगा, 63 the 18, 36, 66 the 36, 62 the 12, 36, 66 the 36. Now 2 से कट जाएगा, 2 into 18 and 2 into 13. So ratio will be 18 ratio 13. Now Nalini का share find करना है, so Nalini share will be 13 divided by 18 plus 13 is 31 into total profit, that is 93,000. So 31 vanda and 31 into 3000. So ये हो जाएगा 13 into 3 is 39,000. So our answer will be first. Now we move on to our next question. Our next question is, an urn contains 9 blue, 5 white and 7 black balls. If 2 balls are drawn at random, then find the probability that only 1 ball is white. कह रहा है कि एक urn में 9 blue, 5 white and 7 black balls हैं और उसमें से 2 balls निकाल ली, तो बताओ only one ball is white की probability क्या होगी? Now to solve this question friend, सबसे पहले हम total balls find कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 9 plus 5 is 14, 14 plus 7 is 21 और उसमें से 2 balls निकाली गई हैं, so total outcome कितने हो जाएंगे? 21 C2 and हमें निकालना है probability that only one ball is white. Total white balls कितनी है? 5 और उसमें से choose कितनी करनी है? 1. So possible outcome क्या हो जाएगा? 5 C1 और जो दूसरी ball होगी वो या तो blue होगी या black होगी. So 9 plus 7 is 16 and 16 में से भी एक ball निकालनी है. So 16 C1 divided by 21 C2. So 5C1 is 5 into 16C1 is 16 divided by 21 into 20 divided by 2. So 2 1 the 2, 2 10 the 20, 5 1 the 5, 5 2 the 10, 2 1 the 2, 2 8 the 16. So our answer will be 8 by 21. So second option is correct. Now we move on to our next question. Our next question is, if one man or three women or five boys can do a piece of work in 46 days, then in how many days will one man, one woman and one boy together take to complete the same piece of work? कह रहा है कि एक आदमी और तीन औरतें और पांच लड़के किसी काम को 46 डेज में करते हैं, तो बताओ एक आदमी एंड एक औरत एंड एक लड़का उस काम को कितने दिनों में करेंगे? Now to solve this question friend, simply you have to write 46 divided by, you have to divide lower value by upper value and add them. So 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 plus 1 divided by 5. Now यहां से LCM ले लेंगे, 3 और 5 का LCM क्या आ जाएगा? 15. So ये हो जाएगा 46 divided by 15 plus 5 plus 3 divided by 15. So इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 46 divided by 23 into 15. So 23 वन द 23, 23 into 2 is 46, 2 into 15 is 30. So our answer will be 30 days. So remember this shortcut friend to solve this question very quickly. Now we move on to our
next question. Our next question is, the height of a triangle is equal to perimeter of square whose diagonal is 9 root 2 meter. कह रहा है ट्रायंगल की जो हाइट है वो स्क्वायर के पेरिमीटर के इक्वल है जिसका डायगोनल कितना है 9 root 2 meter. तो हमें डायगोनल की लेंथ गिवन है 9 root 2 meter और हम जानते हैं साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है डायगोनल डिवाइडेड बाय रूट टू. सो साइड क्या आ जाएगी यहां से हमारी 9 meter. नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 into side. सो 4 into 9 दैट इज 36 meter. दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल. आगे कह रहा है बेस ऑफ सेम ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 784 meter square. हमें स्क्वायर का एरिया गिवन है 784 और हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर. तो साइड स्क्वायर इज 784. यहां से साइड की क्या वैल्यू आ जाएगी रूट 784 दैट इज 28. सो साइड आ गई हमारी 28 दैट इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल. और हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज 28 इंटू हाइट दैट इज 36. सो 2 1 2 2 14 28 एंड 14 into 36 इज 504. सो अवर आंसर विल बी 5. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज was recorded as 64 kg. If the weight of teacher was added, the average increases by 1 kg. And we have to find the teacher's weight. कह रहा है 21 boys का average weight है 64 kg. और उसमें teacher का weight add कर दें, तो average increase कर जाएगी 1 से. So पहले 21% थे, टीचर भी इंक्लूड कर देंगे तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 22 और एवरेज कितनी हो जाएगी 65 kg. नाउ हमें निकालना है टीचर का वेट. सो टू फाइंड द टीचर्स वेट देयर आर टू मेथड. फर्स्ट इज द यूजुअल वन. यू हैव टू मल्टीप्लाई 22 बाय 65 माइनस 21 इंटू 64 to get the teacher's weight. But it's a very time consuming method friend. So I will not recommend this method. Only use this method if you forget the shortcut. Now let's see the shortcut method. In the shortcut method friend, there is a formula to find the teacher's weight. That is initial average plus average difference into फाइनल वैल्यू. सो इनिशियल एवरेज इज 64 kg प्लस एवरेज डिफरेंस इज 65 माइनस 64 दैट इज 1 kg इनटू फाइनल वैल्यू. फाइनल वैल्यू इज 22. सो वी राइट 22. 64 प्लस 22 इज 86. सो आवर आंसर विल बी 4. सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो. प्लीज लाइक दिस वीडियो. Share this video with all your friends so that they can also be benefited and do subscribe my channel for more videos. And at last, thanks for watching.